मैं हमेशा से एक धार्मिक व्यक्ति रहा हूं। इन बदबूदार तहखाने में बने इस बंदी गृह की देखभाल करते हुए मैंने कई बंदियों का विश्वास या अविश्वास देखा है। नहीं नहीं, मुझ पर कृपा करो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं इंसाफ नहीं करता, मुझे भी खूंखार जानवरों से डर लगता है और मृत्यु से भी। पर आज ऐसा साहस मैंने एक औरत और उसके साथियों में देखा, एक ऐसा साहस जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कभी नहीं। अंदर आ जाओ, जल्दी करो। तुम सबको देखकर कितनी खुशी हो रही हमें है। हमें कोई नहीं रोक सकता, सचमुच ये एक आशीष है। हम सब यहाँ जमा हैं। तुम सचेत तो थे ना मेरे दोस्त? हाँ, हम बिल्कुल सचेत थे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु का कितना बड़ा आशीष है हम पर जो उसने हमें एक बार फिर से मिलाया है स्तुति आराधना करने के लिए। बिल्कुल सही मेरे नन्हे मुन्ने, हम स्तुति करेंगे एक दूजे को मसीह में साहस और सामर्थ्य देने के लिए। तो चलो प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने अपने हृदय प्रभु को अर्पित करते हुए। मेरे पुरखों के देवताओं, आपके उदारता के हाथों द्वारा मैं समृद्ध बनूं। मैं आपका आदर करता हूं और आपकी उपस्थिति में कपकपाता हूं। मेरी देखरेख करना, दुर्भाग्य से मुझे बचाना। क्या देवताओं से विनती करना मना है? गुलाम, क्या बदबू है! इस जगह की बदबू कैसे सह लेते हो? मैं क्षमा चाहता हूँ, पर यहाँ का वातावरण मुझे पसंद नहीं आया। अब क्या है? रोम से समाचार आया है, सम्राट का आदेश है कि इस नए मत को अपनाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। मसीही धर्म। मसीही? मिनर्वा, हमारी रक्षा कर। आहा, देवताओं से अब भी विनती कर रहे हो? पता क्यों? है वो उनके बारे में क्या कहते हैं? देवताओं को धोखा देने वाले नास्तिक लोग, वो हम पर देवताओं का कोप लाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा। मुंह बंद कर अपना। और तुम देवताओं का अपमान करते हो, एक दिन तुम नष्ट हो जाओगे। नास्तिक कहेंगे। तुम और तुम्हारे मिट्टी के देवता, मेरे लिए बस ये एक देवता काफी है, रोम। तो अब उन बंदियों के लिए जगह बनाओ जिन्हें हम पकड़ने वाले हैं। इस समय? इसी समय प्यूडेंस, सम्राट ऐसे खतरनाक पदार्थों से अपने साम्राज्य को खाली करने में देर नहीं लगाता। ये कैसे संभव है? क्या तुम निश्चित हो ल्यूसियस? मुझे अभी अभी खबर मिली है, मेरा रथ कहाँ है? पर वो जहां भी होगी सुरक्षित होगी। अगर मैं वहां पहुंच गया तो मेरा रथ लाओ। मैं निश्चित हूं कहीं कुछ गड़बड़ है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी बेटी को इन चीजों में रुचि नहीं है। पर बेचुआ की परवरिश इस तरह से नहीं की गई थी। मैं उन गुलामों की खाल खिंचवा दूंगा जो उन्होंने उससे उन बागियों में शामिल करवाया है, उन मसीही लोगों में। अपने हृदय समर्पित करो। हाँ? हमने कोई गलती नहीं की है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दीजिए। कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। घेर लो इन सबको। दया करो, मैं गर्भ से। छोड़ दो उसे, फेलिसिटी, छोड़ दो। सम्राट के आदेश के अनुसार तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुझे रास्ता दो, मैं लूसियस वीबिया हूँ। तो क्या? ये मेरी बेटी और ये मेरा नाती है, ये एक बड़ी भारी चूक हो गई है, मैं निश्चित हूं। ये सब इन गुलामों के कारण हुआ, दोष इनका है।
क्या यही तरीका है मेरी बेटी की देखभाल करने का? सुअर! स्वामी, पिताजी सुनिए। तुम रुकिए पिताजी। क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहां फंसी हो परपेचुआ? ये तो सिर्फ एक गुलाम है। पिताजी, ये मेरी बहन है। तुम्हारी? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? श्रीमान, इस बात को लेकर आप बाद में निपटिए, पर अब मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। ले जाओ इन्हें। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। परपेचुआ नहीं, तुमसे भूल हो गई। कह दो इनसे परपेचुआ। उसे अदालत में कहने का मौका मिलेगा, जैसे कि औरंग के साथ होता है। पर ये बच्चा निश्चित ही बंदी ग्रह उसके लिए नहीं बना है। सच है, तो ले जाओ इसे अपने साथ। मेरा बच्चा नहीं। पर आगे बढ़ो। परपेचुआ कह दो उनसे, कह दो तुम इनमें से नहीं हो। परपेचुआ, मैं तुम्हें छुड़ा कर ही दम लूंगा मेरी बेटी। मैं तुम्हें छुड़ा कर ही दम लूंगा। पर हमने क्या गलत किया है? मेरे करीब रहना। ओ, ये कैसा शोर है? ओ, भीड़ जमा है। परपेचुआ देखो तो, ये तो परपेचुआ है। अच्छा, कहाँ पर? उसे तो हमारे साथ होना चाहिए। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो उन लोगों में शामिल हो गई। क्या वो उसके नौकर नहीं है? मुझे तो उल्टी होने वाली है। पोचुनाटा, कासिया। जल्दी करो, इससे पहले कोई जान ले कि हम उसे जानते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। पासवान, साहस रखना मेरे मित्रों, साहस रखना। हम सब जमा हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि हम दृढ़ रहे। चलते रहो। विश्वासी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के समान हम भी ये सब सहेंगे साहस से। नहीं, नहीं। अंदर डालो। प्रभु, कृपा करके उसे हानि मत पहुंचाना। खामोश, तुम उसे तकलीफ दे रहे हो। उस पर दया करो, वो गर्भवती है। बहुत हो चुका। फेलिसिटी, उसके गर्भ में बच्चा है। सेकोंडलस। अब हमारा क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? चलो आगे बढ़ो। कहाँ ले जा रहे हो हमें? बाहर निकलो। हमें कितने समय की छूट है? इस समय तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? ये लो। जो करना है करो, जब समय पूरा होगा तब मैं बता दूंगा। पासवान, टर्शियस, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या सचमुच आप ही हैं? हाँ मेरे मित्रों। पासवान, क्या आशीष है? पर आप यहाँ कैसे? हाँ, हर किसी की अपनी कीमत होती है। इसके अलावा रोम का सम्राट आप जैसे मसीह के नए शिष्यों के पीछे पड़ा है। वो आपको मिसाल बनाकर दूसरों को डराना चाहता है। पर ये बताओ, आप लोग कैसे हैं? क्या आप पांच नहीं थे? सिकोंडलस, उसे वो मारा गया। तब तो वो परमेश्वर के पास है। हमें इस उदाहरण से विश्वास और बल प्राप्त करना चाहिए ताकि आप लोग मजबूत बने रहें। खैर चलिए, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, हमारे पास वक्त कम है। पनीर, दूध, मुझे लगा मैं ये कभी नहीं देखूंगी। विश्वासी अब एक साथ हैं और आपके लिए सारा समय प्रार्थना करते हैं। आपकी पीड़ा अब हमारी है। तब तो हमारा आनंद भी आप में होना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई की मौत के दुख के अलावा प्रभु का हम पर इस बंदी गृह में भी अनुग्रह रहा है और हम पर शांति बनाए रखता है, जिसमें उसी का हाथ हो सकता है। खुशी की बात करें तो माँ, तुम परपेचुआ, मेरी बेटी, माँ, मेरे प्यारे भाई और मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे। वो कहते हैं बच्चा तुम्हारे पास रह सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उनकी स्तुति और उनका धन्यवाद। यदि मेरा मुक्तिदाता मुझे बिगड़ने न दे तो ये बंदी ग्रह भी मेरे लिए एक महल बन सकता है। ये भूखा है बेटी, और तुम्हें भी खाने की जरूरत है। तुम्हारा हालचाल कैसा है बहन? बहुत मुश्किल समय है, मगर प्रभु ने हर घड़ी हमारी सहायता की है। पर तुम
मैं पासवान और दूसरों से मिल चुका हूँ, मगर हमें सचेत रहना चाहिए। मुझे सलाह दी गई है कि अपने विश्वास को गुप्त रखूं। कानून नए विश्वासियों पर प्रबंध लगाता है। ओ पपेचुआ, मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, काश मैं इसे छुपाए रखना। ये सिकोंदलस का है, वो उसी रात शहीद हो गया था। इसे रख लो, ये तुम्हें प्रभु के सामर्थ्य को याद दिलाता रहेगा। मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ। और पिताजी? चलो जल्दी करो। तुम्हारे पिताजी चिंता में डूबे रहते हैं मेरी बच्ची। तुम इन लोगों के साथ रहने के लिए पैदा नहीं हुई थी। वो हर तरह से तुम्हें बचाने में लगे हुए हैं। वो मुख्य न्यायाधीश से सहायता मांग रहे हैं। मुझे आपकी सुपुत्री के दुर्भाग्य पर खेद है, पर कानून नहीं जानने वालों के लिए छूट नहीं होती। मैं जानता हूँ मुख्य न्यायाधीश पर निश्चित। मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि तुम्हारी सुपुत्री इस कानून को नहीं जानती। इन मसीही लोगों का सम्राट की जगह उस यीशु की आराधना करना दंड के योग्य है। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। और सौभाग्य से साम्राज्य में दया बहुतायत से की जाती है। बिना शंका तुम्हारी सुपुत्री ने बहुत लज्जित किया है, जिसके कारण तुम्हें व्यापार में घाटा भी हुआ। और मैं ये नहीं चाहता, ना तो जरूरत समझता हूँ कि मेरे प्रांत को लज्जा का सामना करना तो पड़े। मैं क्या करूँ? सौभाग्य से एक रास्ता है। तुम्हारी सुपुत्री और उसके साथियों को अदालत में मेरे सामने खड़ा होने का मौका मिलेगा। अगर वे हमारे दैविक सम्राट के सम्मान में देवताओं को धूप चढ़ाते हैं और मसीह को नाकारते हैं, तब हम खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएगी, और सबसे अहम, सारा रोम खुश हो जाएगा। बात बस इतनी सी है। अब मैं जरा मसरूफ हूं। विबिया, मैं बिल्कुल अन्यायी नहीं हूं। तुम एक समझदार इंसान हो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी सुपुत्री के होश लौट आए। परपेचुआ? हाँ? मैं सोच रहा था, पासवान से मुलाकात कितनी अच्छी थी, भले ही कम समय के लिए, लेकिन मेरे आगे ये सवाल है, क्या हम इस बंदी ग्रह से मुक्ति पाएंगे? परमेश्वर ये जानता होगा। तो चलो उसी से पूछते हैं। ऐसा देवता जो मनुष्य से बात करता है? हमारे प्रभु कहते हैं, मांग और वो तुझे दे दिया जाएगा। तो फिर कृपया उसे बता दो कि यहाँ तुमसे मिलने की आज्ञा केवल सुबह ही मिलती है। मुझे कोई शंका नहीं कि प्रभु यीशु हमारी विनती सुनेंगे और इस अदालत में हमारी अगुवाही करेंगे। चलो उनसे प्रार्थना करके पूछ लेते हैं। ऊपर चढ़ो पपेचुआ, मगर संभल कर, कहीं वो दुष्ट सर्प तुम्हें डस न ले। वो मुझे छू भी नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में मैं उसे फटकारती हूँ। तुम्हारा स्वागत है पपेचुआ। मेरे प्रभु। लो बेलू, ये आने वाली मधुर चीजों का स्वाद देगा। तुम ठीक तो हो ना? तुम बेचैन थी। यीशु ने मुझसे बात की एक सपने में आकर। हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। लगता है उसने ये गलत समझा। हम प्रभु के पास जाएंगे शहीद होकर। तब तो हम जल्द ही अपने प्रभु के पास होंगे। हमें विश्वासियों से कहकर अपने बच्चे के लिए एक माँ ढूंढनी होगी और एक अच्छा पिता। परमेश्वर हमारे बच्चे की परवरिश करेगा। तो क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारे इस देवता ने तुमसे बातचीत की है? हाँ प्यूडेंस, उसने की है। पर तुम लोग मारे जाओगे। एक लौता सच्चा परमेश्वर हमें बुला रहा है प्यूडेंस। पपेचुआ, देवताओं के लिए आने की घोषणा किया करो। बच्चे को लेकर
मेरे पीछे आओ। पपेचुआ, मेरी बहन। पिताजी। मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरी बेटी। पिताजी। अगर तुम्हें मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है, क्या मैंने अपने हाथों से तुम्हारी परवरिश नहीं की? क्या मैंने अपनी सभी औलादों में तुम्हारा लाड़ सबसे ज्यादा नहीं किया? पिताजी, तो मैं... फिर हमें ऐसे लज्जित मत होने दो। अपने भाई के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में, अगर हमारे बारे में नहीं तो अपने नन्हे से बेटे के बारे में लेकिन सोचो। पिताजी, ये सब क्या है? इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ हजार विचार मेरे मन में आ रहे हैं। मेरी हालत मरने जैसी है, तुम मुझे मार डाल रही हो। पर पैचुआ, बोलो। मैं एक मसीह हूँ पिताजी, और मुझे उसमें... नहीं, तुम नहीं हो। मैं एक मसीह हूँ पिताजी, मैंने मसीह में जीवित परमेश्वर को पाया है। मिट्टी और संगमरमर के बने वो देवता नहीं, बल्कि ये वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे मन में बसता है। हम तुम्हें इस दुविधा से बचा सकते हैं। हम मुख्य न्यायाधीश के पास चलेंगे। क्या? मैं? उन्होंने वादा किया है कि अगर तुम मसीह का इनकार करोगी तो आजाद हो जाओगी। इस मूर्खता के विचार को त्याग दो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें इस तरह मरने के लिए पैदा नहीं किया था। मुझसे ये नहीं होगा। तुम्हें करना होगा। नहीं। पिताजी, क्या आप वो देख रहे हैं? क्या है वो? क्या है पिताजी? वो एक फूलदान है, मैं समझा नहीं। ये जो है, क्या उसके अलावा ये किसी और नाम से जाना जाता है? ये तो फूलदान है। और मैं जो हूँ उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। पिताजी, मैं एक मसीह हूँ। तो फिर आओ मेरे साथ। नहीं, चलो मेरे साथ। रुक जाओ, बच्चा मेरे पास रहेगा। नहीं, बच्चा। चलो, बहुत हो गया। अगर तुमको अपने बेटे से जरा भी प्रीति है तो तुम इस पागलपन से फिर जाओगी। ये तुम्हारा फैसला है, नहीं तो। पिताजी सुनिए, ये बेतुका अंधविश्वास मेरी मृत्यु का कारण होगा, साथ में तुम्हारी माँ, तुम्हारे परिवार और बेटे का भी। अपने साथ तुम हम सबको मार दोगी। पर पैचुआ, तुम और तुम्हारा परमेश्वर हम सबको मार डालेगा। पासबा, आपके लिए भोजन लाया हूं। आपने कई दिनों से खाने को हाथ नहीं लगाया। शुक्रिया टोशियस। बंदी गृह में मेरे भाई और बहनों का विचार मन से निकाल नहीं पा रहा हूं। हम प्रार्थना कर रहे हैं पासबा। हाँ, हमने प्रार्थना तो की है और मैंने एक फैसला किया है। तुम एक अच्छे अगवा हो टोशियस। मैं जब जब दूसरों से मिलने जाता हूं तब तब तुम विश्वासियों को बल देते हो। ये काम जारी रखना पासबा। क्या हमारे प्रभु ने नहीं कहा था, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। पर सुनिए तो टर्शियस, हमारे मित्र बंदी गृह में हैं। मुझे विश्वास है कि यह परीक्षा उनके लिए आसान नहीं होने वाली। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं संकट की घड़ी में उनके साथ रहूं। इसके अलावा उन बड़ी परीक्षाओं में भी जो उन पर निश्चित आने वाली है। मैं समझ गया। पिताजी, मेरे बच्चे। मेरी बेटी। इसकी तबीयत कैसी है? ये बिल्कुल ठीक है मालकिन। ये सब क्या है? ये पति पत्नी है न्यायाधीश, ये गर्भ से है। मैं अंधा नहीं हूं सैनिक। अब इस बकवास का अंत करना है। देखो, सोच समझकर बोलना मेरी बेटी। मैंने मुख्य न्यायाधीश से बात कर ली है, आज ही तुम मेरे साथ घर लौट सकती हो। तुम्हारा बेटा फिर से तुम्हारी गोद में खेलेगा, साथ में वो सारे आराम भी जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम घर लौट सकती हो और फिर ऐसा लगेगा जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। चुटकी भर धूप चढ़ानी है, देवताओं की कसम अगर तुम लोगों ने जिद की। मैं नहीं चढ़ाऊंगी। ले जाओ इसे, एक गुलाम कम नहीं, बच्चे को मिलाकर दो।
क्या मैं मान लूं कि पति भी यही चाहता है? हम उस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। सुनो, कार्थेज में 3 गुलामों को कम कर दिया जाए, तब तो तुम अपने जीवित परमेश्वर के पास मृतदशा में जाओगे। अगले को लाया जाए। बात बहुत सरल है मेरी बेटी, वास्तव में तुम्हें ये मानने की भी जरूरत नहीं, बस उस मुख्य याचक को ये दिखाना है। सिर्फ तुम्हें इतना ही करना होगा। एक चुटकी भर धूप चढ़ाना होगा। नहीं चढ़ाऊंगा, मैं इस झूठे देवता को धूप नहीं चढ़ा सकता। बेबिया पपेचुआ, मुझे जाना होगा। परपेचुआ, याद रखना, ये बड़ी बात नहीं है, बस एक चुटकी भर धूप, फिर तुम अपने घर लौट जाओगी। इससे तुम्हारे परमेश्वर को क्या फर्क पड़ेगा? बस एक चुटकी धूप, एक चुटकी धूप। नहीं, परपेचुआ, मैं एक मसीह हूं, यीशु मसीह प्रभु है। नहीं परपेचुआ, अपने बच्चे के बारे में सोचो, धूप चढ़ा दो तुम। मैं नहीं चढ़ाऊंगी, हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, यीशु मसीह की। परपेचुआ, क्या तुम्हें अपने पिता की चिंता नहीं या अपने बच्चे की? चलो अभी धूप चढ़ाओ हमारे सम्राट के कल्याण हेतु। अपने परिवार की खातिर परपेचुआ धूप चढ़ा दो, तुम्हें ये करना होगा। पीटो इसे। पिताजी, धूप चढ़ाओ। मैं नहीं चढ़ाऊंगी। क्या तुम एक मसीही हो? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारी जबान तुम्हें दोषी ठहरा रही है। मैं आपसे प्रीति रखती हूँ पिताजी। तुम्हें जंगली जानवरों के आगे फेंका जाएगा। मैं तुझसे प्रीति रखती हूँ मेरे बच्चे। ले जाओ इनको। ओ परपेचुआ, तुम हमें फिर नहीं देख पाओगी, तुम हमें फिर नहीं देख पाओगी। पासवान, और ये कौन है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं भी एक मसीही हूँ, इनका पासवान, मैं भी इनके साथ हूँ। तो तुम भी इनके साथ जाओ और मरो, जानवरों के लिए एक और। पासवान, पर क्यों? प्रभु चाहता है मैं तुम्हारे साथ रहूं बहन, तुम सबके, क्योंकि वो तुम्हें सुकून देना चाहता है। और अब से अंत तक हम एक दूसरे को बल देते रहेंगे। फेलिसिटी, मेरे स्वामी, मेरा बच्चा, समय आ गया। मैं बेचैन हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तब तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी प्यूडेंस। मैं अपनी प्रार्थना कर चुका हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह देवताओं की कसम, अगर मेरी ओर से नहीं तो वो दूसरों की सुनते होंगे। जब अपोलो सूर्य को ऊपर उठाता है, प्यूडेंस जाग जाता है और कुछ न कुछ विनती करता है। तुम सारे के सारे चैन से सोते हो, अब जरा बताओ तो तुम लोगों को डर नहीं लगता? दर्द होने का शायद लगे, पर मौत का नहीं। ये कैसे संभव है? यीशु ने हमारे लिए मृत्यु पर जय पाई है, वो यहाँ भी हमारे संग है, वो हमारे संग रंगमंडल में भी होंगे। उनका प्रेम दृढ़ बनाता है, हम उनके पास जाने को उत्सुक हैं। मैं ऐसे देवता को समझ नहीं पाया जिससे मुझे डर नहीं लगता, तुम कैसे सहन कर लेते हो? ये कोठरी, बेटे को गवा देना। मसीह ने हमें एक अनंत जीवन देने का वादा किया है। जहाँ तक ये बंदी ग्रह है, ये हमारे शरीर को कैद रख सकता है, पर आत्मा को नहीं। मैं अब जाकर थोड़ी सोने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं लगता प्यूडेंस, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ये जाने कि मुझे ऐसा करना पड़ा था, और ये भी कि मैं उससे प्रीति रखती थी। क्या तुम मेरे बाद मेरी कहानी लिखना जारी रखोगे? मैं इसका भागी नहीं बनना चाहता, पर मैं इस पर विचार करूंगा, और जो बातें तुमने मुझे अपने परमेश्वर के बारे में बताई है उन पर भी मैं विचार करूंगा।
मैं विजयी बनूंगी। हे मेरे प्रिय प्रिय मुक्तिदाता, तेरा धन्यवाद। परपेचुआ, क्षमा चाहती हूँ, क्या मैंने आपको जगा दिया? मैंने एक बड़ा ही अद्भुत सा सपना देखा है। क्या जैसा कि मैंने? आप दोनों ने सपने देखे? कैसे थे वो? परपेचुआ, तुम्हारे चेहरे पर कितनी चमक है। परमेश्वर मुझसे बोल रहे हैं बहन, वो हमारे बहुत निकट है और मेरा सपना भी बड़ा अद्भुत था। जैसा कि मेरा था। तो अब हमें और इंतजार मत करवाओ, प्रभु ने आपको क्या दिखाया है? हमारी आत्माओं ने हमारे शरीर त्याग दिए थे, हम उड़ रहे थे और हमारे साथ चार वैभवी स्वर्गदूत भी थे। क्या आप वो हमें ले जाएंगे? प्रभु हमारे साथ हो। चुप रहो, मैंने आप लोगों के लिए आखिरी आनंद भरे क्षणों का इंतजाम किया है। टर्शियस, पासबा, मेरे प्रिय बंधुओं, प्यूडेंस इस दया के लिए प्रभु तुम्हें जरूर आशीष देंगे। अब जाओ, तुम्हारे मित्र इंतजार कर रहे हैं। तक मैंने जो लिखा है वो खेलों के एक दिन पहले तक की घटनाएं हैं, पर खेल में होने वाली घटनाएं दूसरे के हाथ से लिखी जाएंगी। फिर वो दिन आ गया जब परपेचुआ और उसके मित्रों को रंगमंडल में ले गए। भीड़ कुछ बड़े मनोरंजन की अपेक्षा में उत्तेजित थी, पर मैं उस दुख के लिए तैयार न था जो मुझे हुआ। हालांकि मैंने हजारों मौतें देखी थी, पर मुझे जरा भी शंका न हुई इन पांचों की बेगुनाही पर और परमेश्वर के प्रति इनकी लगन तथा भक्ति मेरी अपनी आत्मा में प्रवेश कर गई। ये रहे मसीही लोग। इन्होंने देवताओं को धूप की बलि नहीं चढ़ाई, तो इसीलिए अब वे ही बलि बन गए हैं। और मुझे लगा जब वो कांपते थे तो ये खुशी की लहर होती न कि भय की। मुख्य न्यायाधीश, क्या बात है? तुम जो वहां बैठे हो और तुमने जो हमारा न्याय किया है, तो उसी तरह परमेश्वर तुम्हारा भी न्याय करे। खामोश, तुम्हें अपने शब्दों पर खेद होगा मसीहियों, उन्हें कोड़े मारो। और बख्तर पहने लड़ाकुओं के सामने उन्हें कोड़े मारे गए, और मैं जो उनके करीब था हैरान हुआ उन्हें प्रभु का धन्यवाद करते देख, क्योंकि वो उसकी पीड़ा के भागीदार थे। और फिर जानवरों को छोड़ दो। मैं कई बार उनको प्रार्थना करता देख चुका था और उन्हें परमेश्वर के आश्वासन के बारे में कहते सुन चुका था। जो पासबान था वो रीत से बहुत डरता था, तो उसे परमेश्वर से यह आश्वासन मिला था। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा प्रभु कि वैसा ही होगा जैसा तूने मुझे बताया है। मैं रीच के हाथों नहीं मारा जाऊंगा, रीच के हाथों से नहीं परंतु तेंदुए के हाथों। जंगली सुअर को छोड़ा जाए।
थोड़े समय के बाद प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। परपेचुआ और फेलिसिटी, मेरा हृदय कैसे उनके लिए तड़प रहा था। उनका सामना एक पागल गाय से हुआ जिसने उन्हें उछाला और कुचला, परंतु परपेचुआ जैसे बेखबर थे। क्या हमें उस जंगली जानवर के आगे फेंका जाएगा? लेकिन परपेचुआ, तुम्हें तो उसके आगे फेंक दिया गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो नहीं फेंकी जा चुकी हो। तुम उस जंगली जानवर के आगे फेंकी जा चुकी हो। पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अंत में इस तमाशे से थककर भीड़ ने तलवार से उनके घात की मांग की, पर तब सारे अचंभित रह गए। रुक जाओ। हाँ, ये पश्चाताप करेगी। मैं अपने प्रभु के पास मातम करने जैसी हालत में नहीं जाऊंगी। क्या? उसका चेहरा चमक रहा था, फिर एक के बाद एक वो मारे गए तलवार की मार से। तुम्हारा वसीयतनामा प्रिय परपेचुआ, और साथ में मेरा भी। अधिकारियों ने यह परिणाम निकाला कि मौत के इस तमाशे ने नए मसीही विश्वासियों को हतोत्साहित कर दिया है, पर वो कितने गलत थे। परपेचुआ, पासबान, फेलिसिटी, रिवोकेटस और सैटर्निनस के साहस ने उस बीच का काम किया जिससे विश्वासियों की संख्या बढ़ी और कई लोग यीशु पर विश्वास करने लगे, जैसे कि मैंने भी किया। और मैं जानता हूं कि वो रोमन साम्राज्य नहीं था जो परपेचुआ और उसके साथियों से मुक्त हुआ, बल्कि वो लोग रोमन साम्राज्य से मुक्त हुए। और तब मुझे पासबान का वही सपना याद आया जो उसने मृत्यु से कुछ ही दिन पहले परपेचुआ और उसके साथियों को बताया था। मुझे एक दर्शन मिला। हम चार विशाल स्वर्ग दूतों के साथ थे और हमने अपने अपने शरीर त्याग दिए थे, और जैसे ही हम पृथ्वी के अंतिम छोर से गुजरे तो वहां हमारे सामने एक महान और अद्भुत प्रकाश था। एक स्वर्गदूत बोला, आओ और प्रभु को प्रणाम करो। परपेचुआ के त्याग के बाद उसकी कथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती थी और उसका लिखा उसकी शहादत की वर्षगांठ पर पढ़ा जाता था। माना जाता है कि महिलाओं की वो सबसे पहली लेखक है जो मरकर भी यीशु मसीह की गवाही देना चाहती थी। आज उसकी गवाही संसार भर के मसीही विश्वासियों के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है।